पैकेट हाँ पीछे आधा किलो पैक 60 रुपया आधा किलो पैकेट 60 रुपया खस्ता होगा तो हा? ये सब आधा किलो का पैकेट 60 रुपीज करके होता है वो बोल रहे खस्ता है और ये सब 80 रुपया ये भी दिया है भैया एक ठो खाने के लिए मेरे पास आज के तो हेलो ये जो अच्छा है और पैकेट वाला भी वही है तो बादाम कितने करके रखा पचास रुपया ये है ये क्या है भैया काजू का बर्फी ये काजू का बर्फी है कितने के किलो 120 रुपया 30 रुपया पैकेट 120 रुपया 30 रुपीज करके पैकेट है और ये सब तिल का लड्डू है तिल का लड्डू तो रामदाना अच्छा अच्छा सॉरी मेरा भूल हो गया क्या बोले तिल का लड्डू ये क्या बोले रसदाना रामदाना अच्छा हम कभी खाए नहीं है ये 30 रुपीज का ही पैकेट है हल्का मीठा में है ये भी है समथिंग ये क्या है भैया काजू का लड्डू कितना है 60 रुपया हाँ ये 50 रुपीज का है काजू का लड्डू मैं हम खा रहे हैं इसी मेरा आवाज़ थोड़ा सा बड़ी हो रहा है ये काजू का ये चिक्की है ये पेड़ा का है बक्सा कितना करके पेड़ा का बक्सा भैया 80 रुपया यही है यहाँ पे बहुत रकम का चीज़ मिलता है बहुत चीज़ मिलता है खाने का आइए आप लोग भी आइए एंजॉय कीजिए दीघा बीच हाँ स्टॉलर नाम आपका स्टॉल का नाम क्या है स्टॉल तो है नहीं स्टॉल नहीं है वेंडर है हाँ भैया वेंडर है ठीक है बहुत अच्छा है अच्छा लोम नहीं गिर मैं फ्रेश होके आए हैं रेस्टोरेंट में डिनर करके आपसे फिर से मिलते हैं यहाँ पे बाप बेटी का दोनों का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देखिए ऐसे एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करता है ट्रांसफर कर रहा है और इसको देखिए हो गया कि नहीं तुम लोग ये सब आप बेटी करती रहती है उल्टा पुल्टा कनेक्शन क्या हो गया और भी तुम लोग का कनेक्शन एस्टेब्लिश देखिए ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं दोनों बाप बेटी चलिए जल्दी से खा लेते हैं खा के अच्छे अभी जस्ट डिनर करके थोड़ा सा वॉक करने आए हैं और ब्लॉग को इतना लंबा नहीं करते हैं आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे और ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओके आज के लिए